हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नए वीडियो में। जो लोग कहते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है, हम रात दिन परमेश्वर से चिल्लाते हैं और परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता है। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसे लक्षण हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसे यशाया 1:15-18 तक हम पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ आपके लिए। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओगे तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा, तुम कितनी ही प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। 16 में अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, जतन से न्याय करो, उपद्रव को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। यहोवा कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें। वाद विवाद का मतलब है परमेश्वर आपसे सुलह करना चाहता है। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्घवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो, मतलब क्या, देखिए जब आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना में हाथ फैलाओगे तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा तो सुनो, क्योंकि आप अभी भी पाप कर रहे हो। यीशु मसीह ने कहा है यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानो, और परमेश्वर कहता है मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। जब आप पाप करते हो तो परमेश्वर देखता है, तभी तो कहता है परमेश्वर अपने बुरे कामों को मेरी आंखों के सामने से अलग करो, दूर करो। अब बुरे काम कौन से हैं ये तो आपको पता ही होगा, और परमेश्वर कहता है तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी हिम के समान उजले हो जाएंगे। मगर कब उजले होंगे, आज्ञा वचन में क्या लिखा हुआ है, यदि तुम आज्ञा होकर मेरी मानो तो सही। भैया परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना पड़ेगा, ऐसे नहीं परमेश्वर हमें माफ कर देगा, परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर देगा। हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने जीवन में फॉलो करना पड़ेगा। अय्यूब 35:13 में लिखा हुआ है, 35:13 में, निश्चय ईश्वर व्यर्थ बातें कभी नहीं सुनता है और न सर्वशक्तिमान उन पर चित लगाता है। व्यर्थ बातें क्या है, जो आप प्रार्थना में कहते हो सुबह शाम कि मुझे वो चाहिए या वो चाहिए, ऐसी प्रार्थना की ओर ध्यान नहीं देता है परमेश्वर। विलाप गीत 3:8 में लिखा हुआ है, मैं चिल्ला चिल्ला के दुहाई देता हूँ तो भी वह मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है। और क्यों नहीं सुनता है तो सुनो, क्योंकि आप अभी भी पाप कर रहे हो और कहते हो कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है। यीशु ने कहा है अपने वचन में, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानना पड़ेगा, मेरी आज्ञाओं को भी मानो। आप अपना हर एक दिन जांचो कि आप कैसी चाल चल रहे हो, आपके चाल चलन से परमेश्वर खुश है कि नहीं खुश है। इसलिए अपना हर एक दिन जांचो, तब परमेश्वर से गिड़गिड़ाओ, प्रार्थना करो, परमेश्वर से माफी मांग लो भैया, और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानिए, अपने जीवन में फॉलो करिए, ऐसे कुछ नहीं हो पाएगा। रोमियों की पुस्तक 8:13 में लिखा हुआ है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा के अनुसार दिन काटोगे तो जीवित रहोगे। यीशु ने यह साफ साफ कहा है, अगर तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। गलातियों 6:8 में लिखा हुआ है, क्योंकि जो आपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी को काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के लिए अनंत जीवन की कटनी को काटेगा। अभी समय है, लौट आओ यीशु के पास, परमेश्वर आपको माफ कर देगा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताइए, वरना बाद में आपको पश्चाताप करने का मौका नहीं दिया जाएगा। यूहन्ना 2:16-17 में लिखा हुआ है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड, हुआ पिता की ओर से नहीं है मेरे प्रियो, वह संसार की ओर से ही है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। इसलिए जो कुछ जगत में है, यानी शरीर की अभिलाषा, इच्छा, चाहत, हसरत, लोभ, लालच और आँखों की अभिलाषा और जिंदगी का घमंड, अहंकार, यह परमेश्वर की तरफ से नहीं है, यह सब संसार की तरफ से, शैतान की तरफ से है मेरे प्रियो। संसार और शैतान की अभिलाषाएं, इच्छाएं, ये सब एक दिन धीरे धीरे मिट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, परंतु जो मसीही परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। मैं मुख्य तीन बातों को
जानना बहुत ही जरूरी है ताकि हम व्यभिचार से बचे रहें, व्यभिचार करने का मन ना हो। नंबर एक, वचन में हमने पढ़ा शरीर की अभिलाषा, क्या आप जानते हैं शरीर की इच्छा क्या है? अगर सुनने की हिम्मत है तो सुन लेना, और ये सच भी है। सुनो, सेक्स करना, शारीरिक संबंध बनाना, लड़की को पटाकर रात भर फोन से बात करना, लड़की को लाइन देकर उसको कैसे पटाएं दिन रात यही सोचते हैं। आज कैसे ना कैसे करके लड़की को पटाने में लगे हुए हैं, लेकिन वे मसीही यह भूल चुके हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। लेकिन वे मसीही यह भूल जाते हैं कि हम अपनी ही आत्मा को नाश करने में लगे हुए हैं, क्योंकि शैतान का एक ही मकसद है, अपने साथ करोड़ों लाखों आत्माओं को नरक में ले जाना।